ये सीजन क्या है कि हमारे शरीर में षड़ रस की आवश्यकता है। हम पांच रस तो खट्टा खारा मीठा तीखा खाते हैं, लेकिन कटु रस की कमी होने के कारण बार बार हवामान का अथवा किसी न किसी प्रकार का झोंका आता है और हमारा शरीर बीमार हो जाता है। 10 ग्राम नीम का रस, 5 ग्राम मिश्री, 10 ग्राम शहद, थोड़े दिन पी लो, पीलिया गायब हो जाएगा, बीमारियां भागने लगेगी। दूसरा, नीम के फूलों की सीजन है, नीम के फूल 10 ग्राम और मिश्री 10-5 ग्राम पीस के पियो। शरीर पर जो सिंधी में आराइयां बोलते हैं, छोटे छोटे दाने पीठ पे निकलते, हिंदी में धमोरियां बोलते हैं, धमोरियां एक दिन में गायब हो जाएगी। तुलसी के 6 पत्ते और 4 काली मिर्च, 10 ग्राम मिश्री पानी में पीस के पीने से पुराना बुखार सदा के लिए भाग जाएगा। अरीठे का छिलका रगड़ के पानी में पीस दिया और चेहरे पर जिनको छाया ये दाग वाग पड़े ठीक हो जाएंगे। गर्मियों के दिनों में जितना दूध उतना पानी मिलाकर 1 चम्मच घी डाल दो। जितना दूध, समझो 100 ग्राम दूध, 100 ग्राम पानी, 1 चम्मच घी मिलाकर माँ होने वाली देवी पिया करे, बच्चा ऐसा बुद्धिमान होगा कि फोटोग्राफर की धंधे की ऐसी तैसी। तुम्हारा बच्चा फिर फोटोग्राफर नहीं होगा, कई फोटोग्राफरों को रोजी रोटी देने वाला हो जाएगा, समझ रहे हैं? तुम्हारा बेटा फिर पत्रकार नहीं होगा, कई पत्रकारों को रोजी रोटी देने वाला होगा। आई बात समझ में? गले में ये सीजन है, गले में कफ हो जाए तो दाहें नाक से श्वास लो, 1.25 मिनट रोको, बाहें नाक से छोड़ दो, 1-2 बार करो, ज़्यादा नहीं, कफ एक दिन में गायब। अथवा तो सिंधा नमक का टुकड़ा डाल दो मुंह में, चूसो। कईयों को खून की कमी है, इंदौर में भी ऐसे हजारों लोग अभी यहां बैठे होंगे, हीमोग्लोबिन की कमी, डॉक्टर लिख देगा ये खाओ ये खाओ, फलाना विटामिन्स खाओ, मूंग में पालक खाया करो, मूंग में डी विटामिन्स की कमी है, 30-35 ग्राम रस डाला करो, आंवले का आदि आदि। लेकिन सबके बापों का बाप अथर्ववेद में आता है कि उदित सूर्य देव की किरणें, हल्की लाल किरणें, वो जीवनी शक्तियों को अपने आप में, ये अथर्ववेद में आया, अपने आप में जीवन शक्ति को संजोए हुए, रोग नाशिनी शक्ति और हृदय को तो एकदम बल देने वाली शक्ति। हर 25 आदमी में एक आदमी हृदय रोगी है भारत में, अर्थात 4.25 करोड़ लोग हृदय रोगी है। उन सभी को मेरा संदेश पहुंचा दूं कि सुबह लाल किरणों को आंखों से ना देखे, लेकिन हृदय पर लाल किरण पड़े, तुम्हारे हार्ट अटैक के बीमारियों की ऐसी तैसी। हाथ की हथेलियां रगड़े, हरि ओम 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 सूर्याय नमः, ओम 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 रवाय नमः, ओम ओम भानवे नमः, हृदय पे रखे। हार्ट अटैक है तो भाग जाएगा और नहीं है तो कभी आएगा नहीं। कोमल किरणें सूर्य की हृदय को पुष्ट करती है, कोमल किरणें चली गई फिर मध्यम किरणें आती, उनके 7 प्रकार होते हैं, और उसके बाद तीखी किरणें आ जाती है आधा पौने घंटे के बाद, तो तीनों किरणों की मिलावट 21 प्रकार की, और उन 21 प्रकार से शरीर के सभी रोग मिटाए जा सकते। पीलिया हो गया हो, खून की अल्पता हो, तो वो दूर हो जाएगा। चैत्र माह चल रहा है, बिना नमक का भोजन करने वाले को कफ के रोगों से बचाव होता है, और महिलाओं को प्रदर की बीमारी अथवा
अकारण सफेद पानी के साथ थोड़ा थोड़ा रक्त का नाश होना भी होता है कई देवियों को। वो ऐसी भागेगी जैसे सूरज आते ही अंधकार भागता है, बिल्ली आते ही चूहा भागता है। ये बीमारियां कफ जनित बीमारियां और महिलाओं को प्रदर की और प्रदर के साथ लाल पानी आदि की जो बीमारी है वो देवियों की ठीक हो जाएगी। इस सीजन में हरड़ 1-2 ग्राम चूसना चाहिए। मैंने अभी हरड़ की गोली चूसी। इससे शरीर में जो खान पान में अंग्रेजी दवाइयां अथवा अंग्रेजी खाद से जो जहर आता है और हमारे शरीर में पड़ा है जो बुढ़ापा लाएगा उसको भगाने की शक्ति आती। चैत्र मास के बाद 2 महीने आप हरड़ का उपयोग करो खुला। हरड़ और शहद की गोलियां अथवा 100 ग्राम गुड़ की चाशनी, उसमें 100 ग्राम हरड़ का पाउडर, फिर 1-1 ग्राम की गोलियां 2 चूस लिया करो। शरीर हमारा स्वस्थ रहे, मन हमारा प्रसन्न रहे और बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रकाश हो, इसलिए ये महोत्सव है, इसलिए भगवान के अवतार हैं और इसलिए भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति करने से हमारा हृदय भगवतमय होता है। भगवान का ज्ञान सुनने से हमारे हृदय में भगवत ज्ञान, भगवत संपदा आती है।